फ्रेंड्स, सभी मेरे यूट्यूब फैमिली को गुड़ी पड़वे का शुभेच्छा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं बहुत लेटली अपलोड कर रही हूँ, सॉरी। तो मैं बहुत बिजी थी तो इसलिए अपलोड नहीं कर पाई। तो यहाँ पर जो नीम के पत्ते हैं जो कड़वे रहते हैं ना वो, और गुड़ यहाँ पर आज के दिन खाते हैं, और यहाँ पर कैरी है तो उसका हम चटनी बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, मैं हूँ अरुणा, अरुस फूड एंड लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज है युगादि, तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये हमारा न्यू ईयर जैसा रहता है ना, तो वैसे हम क्या कहते हैं हिंदुओं में जो युगादि को सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारे मेरे ख्याल से तो ये नया साल ही आज का दिन से, तो युगादि में नया साल मानती हूँ। तो सभी को शुभकामनाएँ। तो चलिए, आज मैं पूरन पोली बनाने वाली हूँ, उसका रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि सब लोगों का तरीका अलग अलग रहता है पूरन पोली बनाने का, तो मेरा भी तरीका अलग है। मैं मेरी माँ से सीखी हूँ, तो कैसे बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए, ज़्यादा बातें न करते हुए क्या करते वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और भी ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं, तो इसलिए स्टे ट्यून्ड विद मी। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करना, अगर नहीं लगा तो इट्स ओके, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा, इट्स ओके, ये तो आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पर फोर्स तो नहीं कर सकती, इतना ही बोलूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए पूरन पोली बनाएं। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम बनाते हैं पूरन का पोली। तो यहाँ पर पूरन का पोली बनाने के लिए एक कटोरी मैंने चने के जो दाल है डाल लिया है, और उसको मैं पानी में भिगो कर रखी हूँ, और उसको साफ़ करूँगी, और बाद में एक साइड में पतीले में मैं क्या रखी हूँ, पानी डाली हूँ। आपको जितना चाहिए उसका हम क्या करेंगे, पानी का रीयूज़ करेंगे, तो उस पानी से हम सांभर बनाएंगे। तो इसलिए आपको कितना चाहिए उतना आप डाल सकते हो। तो इस पानी में उबाल आने के बाद डाल दिया, और ऊपर जो झाग आया है ना उसको हम निकाल देंगे अच्छी तरह से पकने के बाद। तो देखिए, यहाँ पर आधा का आधा पानी ढल गया है, तो अच्छी तरह से पक गया है। तो इसको कैसे टेस्ट करना है, देखिए किस तरह पक गया है, तो इस तरह हाथों से क्या करना है देखना है। तो यहाँ पर हमारा दाल पक गया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको क्या करेंगे, पानी को निकाल देंगे और दाल को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो ये पानी है ना, इसका रीयूज़ करेंगे, सांभर बनाएंगे। तो इस तरह हम क्या करेंगे, पहले दाल को माइंड पीस लेंगे, जो ये रवि रहता है जो छांझ बनाते हैं ना उसका वो, तो इससे हम क्या करेंगे, पहले बारीक माइंड पीस लेंगे। तो बाद में हम क्या करेंगे, इसमें गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ यहाँ पर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी डाल ली हूँ, तो डेढ़ कप मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है। तो इसको क्या करेंगे, गैस मीडियम आंच पर रखेंगे, और गैस के ऊपर चढ़ाकर हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पर ये पतला बन गया है, पतला होने के बाद फिर से वो गाढ़ा बन जाएगा, गाढ़ा बनने के बाद तो देखिए यहाँ पर इस तरह बन जाता है। और बाद में हम क्या करेंगे, जो पूरन पोली बनाने का जो साँचा रहता है ना, उससे हम क्या करेंगे, बारीक पीस लेंगे। कुछ लोग मिक्सी में भी बनाते हैं, लेकिन हम नहीं मिक्सी में बनाएंगे, क्योंकि वो दाने दाने रह जाते हैं, इससे क्या होता है पूरा का पूरा क्या हो जाता है, आटे का डो ही बन जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे ही मैं बहुत सालों से ऐसे ही करते आ रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर कितना बारीक गिर गया है। तो देखिए यहाँ पर ये पूरन तैयार हो गया है हमारा। तो इसमें हम ऐड करेंगे, अब बारी आती है इसमें ऐड करने की, जो इलायची पाउडर और जायफल का पाउडर रहता है वो मिक्स करके इसका क्या हम क्या करेंगे, सारन तैयार करेंगे। बाद में हम जो आटे का जो डो है उसमें से एक गोला लेंगे, और थोड़ा सा तो वीडियो यहाँ पर क्लियर नहीं आया, तो नेक्स्ट हम कभी बनाएंगे तब दिखा दूँगी। तो यहाँ पर जो पूरन का सारन रहता है ना वो उसमें क्या करना है, फिलअप करना है। तो सारन ज़्यादा लेना है, और आटे का डो का जो गोला रहता है ना वो थोड़ा कम ही लेना है। अच्छी तरह से उसको गोल 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 बनाना है, घुमाना है। तो देखिए यहाँ पर गोल गोल घूम गया है, तो क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो सॉरी गाइस। तो यहाँ पर आटे में ऊपर नीचे करेंगे, और इसको अच्छी तरह से बेलेंगे बहुत ही हल्के हाथों से। तो ऊपर हम थोड़ा थप देंगे, ताकि हमारा जो अंदर का जो सारन है ना तो चारों तरफ फैल जाए अच्छी तरह से। तो इस तरह थपने के बाद थोड़ा हम क्या करेंगे, बेलन से बहुत ही हल्के हाथों से क्या करना है, इसको बेलना है, जोर नहीं लगाना है, तो बहुत ही हल्के हाथों से, क्योंकि क्या होता है फट जाते हैं हमारे, जो जोर से आप बेलेंगे ना तो क्या हो जाता है, हमारे पोली फट जाएंगे। तो इसलिए बहुत ही हल्के हाथों से गोल गोल बेलना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों साइड बेलेंगे, तो बाद में हम तवा पर डालेंगे, ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, ऑयल लगाएंगे।
गाइस देखिए यहाँ पर किस तरह फूल गया है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, सारे के सारे पोलियाँ बनाएंगे। घर में तो हम चार लोग ही रहते हैं, तो कम से कम 10-12 हम क्या करते हैं, पोलियाँ बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पोलियाँ रेडी हो गए हैं, तो इसी तरह सारे के सारे हम बना लेंगे। तो कुछ लोग ऑयल लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं, तो हर एक का तरीका अलग अलग रहता है। तो जैसे हमारे यहाँ बनते वैसे ही मैं बनाई हूँ। तो चलिए देखिए इतने सारे पोलियाँ हो गए। अब नेक्स्ट बारी आती है वेफर्स को तलने की। तो यहाँ पर कुछ पापड़ हैं, पापड़ों को भी तलेंगे। कुछ बाहर से मंगवाई थी और कुछ घर पर भी बनाई थी, तो वो सब हम क्या करेंगे यहाँ पर तलेंगे। तो यहाँ पर वेफर्स के बिना, पापड़ के बिना तो यहाँ पर त्यौहार अधूरा ही है, क्योंकि हर त्यौहार में हम ये सब करते ही हैं। एक छोटा सा छोटा त्यौहार हो तो भी हम क्या करते हैं, वेफर्स को तलते हैं। तो ये मेरा फेवरेट वेफर्स है। तो सो फ्रेंड्स यहाँ पर किचन का सारा काम खत्म हो गया, पोली बन गए, वेफर्स बन गए, सांभर चटनी सब कुछ बन गया है। तो अब हम करेंगे ये थाली सजा रहे हैं भगवान के लिए, भगवान के लिए दिखाएंगे। तो सांभर भी बन गया है। तो देखिए यहाँ पर नया साड़ी पहन करी मैंने इतना सारा सब कुछ काम कर लिया है पहली बार। तो देखिए इस तरह हम क्या करते हैं, सजाते हैं। तो ये राइस है ना, उसमें थोड़ा दही डालेंगे और वेफर्स लगा लिया। इस तरह हम क्या करते हैं, भगवान को पहले दिखाते हैं, बाद में हम लोग खाते हैं। तो ये पूरन पोली का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए ये वेफर्स है, यहाँ पर इसको मैं टेस्ट कर रही थी। और वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।